रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग अब और भी ज्यादा विकराल हो सकती है, क्योंकि अब इसमें चीन की सीक्रेट एंट्री का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया गया है कि चीन पर्दे के पीछे से रूस की मदद कर रहा है। जंग लड़ रहे रूस को चीन की ओर से गोला बारूद की सप्लाई की बात भी सामने आई है। अमेरिका लगातार चीन को रूस की मदद नहीं करने की चेतावनी देता रहा है, लेकिन चेतावनियों की परवाह किए बगैर चीन अपने हथियार रूस को देने का प्लान बना रहा है। और अमेरिका ने चीन को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है, साथ ही ताइवान के मोर्चे पर चीन को घेरने की भी तैयारी कर ली। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की सीक्रेट एंट्री, ड्रैगन के षड्यंत्र से बौखलाए बाइडेन, शिंकिन का हथियार, पुतिन प्रहार को तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस के हमले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। युद्ध की शुरुआत करने वाले रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं नेटो देशों की मदद के भरोसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इस महाजंग के बीच अब एक और बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, वो भी पर्दे के पीछे से। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा है, इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने पर विचार कर रहा है। ये विनाशकारी हो सकता है। इससे पहले भी बाइडेन प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की ओर से रूस को ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति की आशंका जता चुका है। अमेरिका ने चीन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। चीन में बने हथियार यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकते हैं। इस बात को अमेरिका समेत नेटो देश अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका चीन पर लगाम कसने की भी तैयारी में है, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर जिनपिंग अंदर ही अंदर यूक्रेन की तबाही में रूस के साथ सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर तो ये भी है कि चीन ने रूस बॉर्डर के पास अपने हथियार डिपो से बड़ी संख्या में गोला बारूद मॉस्को पहुंचाने की तैयारी कर ली है। अगर चीन के हथियार मॉस्को पहुंचते हैं तो इनका इस्तेमाल यूक्रेन में तबाही के लिए किया जाता है, तो तय मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि एक ओर अमेरिका और नेटो देश की सेनाएं होंगी तो दूसरी ओर रूस और चीन साथ मिलकर लड़ते दिखेंगे। यानी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया दो फाड़ हो सकती है, जिसका अंजाम प्रलयंकारी युद्ध के तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में हथियारों की सीक्रेट सप्लाई करके आग में घी डालने का काम कर रहा है। चीन को ताइवान के मोर्चे पर घेरने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। अमेरिका की मदद से ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को एडवांस कर लिया है, नए हथियार खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। इसके साथ ही करोड़ों डॉलर की मदद भी अमेरिका से ताइवान को मिल रही है। वहीं ताइवान भी ड्रैगन के खिलाफ पूरे एक्शन में है। ताइवान के सैनिक लगातार प्रैक्टिस में जुटे हैं और ताइवान में सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा की अनिवार्य समय सीमा को एक साल बढ़ा दिया गया है। यानी चीन पर पलटवार के लिए ताइवान भी तैयार है, तो अमेरिका की तरफ से उसे पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ एक और महाजंग का मैदान तैयार हो चुका है।